हे गाइस, दिस इज मोहित कुमार कश्यप। और गाइस, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूं, और वो है हिस्ट्री का टॉपिक। और यहां पर वन लाइनर क्वेश्चंस कराऊंगा, 189 वन लाइनर क्वेश्चंस कराऊंगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 189 क्वेश्चंस कराऊंगा, जो कि एग्जाम में बहुत बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अभी RPF का एग्जाम चल रहा है, ALP का एग्जाम आने वाला है, उसके बाद SSC GD CPO SSC CGL एग्जाम है, तो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना किसी टाइम को वेस्ट किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने पास एक कॉपी एक पेन लेकर बैठे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है जो आपके लिए नया है, आपको नहीं पता, तो आप उसको नोट कर लें। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोई भी आलतू फालतू क्वेश्चन यहां मैं आपको नहीं कराऊंगा। इस कोर्स को, इस वीडियो को कोर्स की तरह लेना है कि 189 क्वेश्चन आपको एक ही टाइम में याद करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीरगति प्राप्त की थी? तो 1799 में अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, और उसमें 1799 मैसूर के युद्ध हुए थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो चतुर्थ युद्ध में टीपू सुल्तान को वीरगति मिली थी 1799 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरा है, बुद्ध में वैराग्य भावना किन चार दृश्यों के कारण बलवती हुई है? तो बुद्ध में वैराग्य भावना की बात की जा रही है, ध्यान रखेंगे, चार दृश्यों के कारण बलवती हुई है। पहला है बूढ़ा, रोगी, मृतक और सन्यासी। जब उसने बूढ़े व्यक्ति को देखा, रोगी को देखा, मृतक को देखा और सन्यासी को देखा, तो उनके मन में वैराग्य भावना उत्पन्न हुई थी। थर्ड क्वेश्चन, सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन सी पत्नी थी जिसने उसे सबसे ज्यादा प्रभावित किया था? तो वो थी कारुवा की। याद है आपको नाम? नाम याद नहीं है तो लिख लेना। सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसे सबसे ज्यादा प्रभावित किया था? तो वो थी कारुवा की। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? तो वो है मौर्य वंश। याद रहेगा, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। सबसे प्राचीन वंश की बात की और वो है निम्नलिखित में से, मतलब ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हमें देना था। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो वो थे जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था। ध्यान रखेंगे, श्रीनगर की स्थापना करने का श्रेय, श्रीनगर की स्थापना अशोक, श्रीनगर वही श्रीनगर जो कि श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है। ठीक है, और श्रीनगर जम्मू कश्मीर राज्य की राजधानी भी है। ठीक, ग्रीष्मकालीन राजधानी, तो अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की। नेक्स्ट आता है सातवां क्वेश्चन की, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो वो थे मीर कासिम। मीर कासिम ने ही अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। आठवें नंबर पर आते हैं कि किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है और वह ग्रंथ है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र याद रखेंगे, अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम है? तो पेशावर, जो कि अब पाकिस्तान में है। ठीक है, पुरुषपुर शब्द जो प्राचीन भारत में हम पढ़ते हैं, तो वो पेशावर का ही पुराना नाम है, और जो पेशावर अब पाकिस्तान में है। चलते हैं दसवें क्वेश्चन पर, और दसवां क्वेश्चन है हमारा कि गुप्त काल के सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां से प्राप्त हुआ है? गुप्त काल के सिक्कों की बात की जा रही है, तो वो मिलते हैं बयाना। कहां पर मिलते हैं? बयाना, जो कि भरतपुर में है, भरतपुर यानी कि राजस्थान में। राजस्थान में याद रखेंगे, राजस्थान राज्य का शहर भरतपुर, और वहां पर है बयाना, जहां पर गुप्त काल के सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार मिला है, सबसे बड़ा ढेर मिला है। वैंगी के युद्ध में चौल नरेश करिकाल से पराजित होकर किस चेर राजा ने आत्महत्या कर ली थी? तो वो थे नैदुन जेरल आदन। क्या नाम है उनका? नैदुन जेरल आदन। वैंगी के युद्ध में चौल नरेश करिकाल से पराजित होकर किस चेर राजा ने आत्महत्या कर ली थी? तो वो है नैदुन जेरल आदन। नेक्स्ट है कि भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने सर्वाधिक सहयोग दिया है? भीमराव अंबेडकर की बात की जा रही है, उनकी पढ़ाई लिखाई में सबसे ज़्यादा जो योगदान दिया गया था वो थे बड़ौदा के महाराज। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस एग्जाम से लिए गए हैं। गाइस, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और
शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आते हैं और साथ ही क्रैश कोर्स लेकर चलते हैं। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है, तो वो है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को आरंभ किया। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। किस राष्ट्रकूट शासक ने अलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, तो वो थे कृष्ण प्रथम, जिन्होंने अलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया है, कृष्ण प्रथम जो कि राष्ट्रकूट शासक थे। 15वें नंबर का क्वेश्चन है कि वेंग्यू के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था, वो था विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन जो कि वेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक है, वेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन, नाम याद रखना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहां की थी, तो वो की थी पावापुरी में। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहां पर की, पावापुरी में। आगे आता है कि किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया था, तो वो थे हेलियोडोरस। हेलियोडोरस जो कि विदेशी दूत थे और उन्होंने अपने आप को भागवत घोषित किया था, हेलियोडोरस। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं पता तो इसको नोट कर लीजिए। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, तो वो थी तांबा। तांबा का सबसे ज्यादा प्रयोग किया था, सबसे पहले प्रयोग किया था वैदिक काल के लोगों ने। आगे है कि हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहां से मिला है, तो वो मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। कहां पर मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में। हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहां से मिला है, शतपथ ब्राह्मण में। ध्यान रखेंगे, किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में की गई है, तो वो है यजुर्वेद। किस वेद की रचना गद और पद दोनों में की गई है, तो वो है यजुर्वेद। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गद और पद दोनों में कौन सा वेद मिलता है, यजुर्वेद। नेक्स्ट है कि ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है, तो वो है संत कवि। क्या नाम है उनका, संत कवि। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है, संत कवि। निम्नलिखित में से किसे जाटो का प्लेटो कहा जाता है, जाटो का प्लूटो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूरजमल। ठीक है, नहीं पता होगा इसको लिख लीजिए, जाटो का प्लूटो किसको कहा जाता है, सूरजमल। आगे है कि किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म के ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग आरंभ हुआ, संस्कृत का प्रयोग प्रारंभ हुआ, तो वो थे चतुर्थ। ठीक है, चतुर्थ। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म के ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग प्रारंभ हुआ, तो वो थे चतुर्थ, चतुर्थ बौद्ध संगीति में। वेदांत किसे कहा गया है, तो वेदांत कहा गया है उपनिषद को। उपनिषद जो होते हैं ना, उपनिषद, उनको वेदांत कहा गया है। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। क्लियर गाइस? गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहो, लाइक करो शेयर करो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कोर्सेज में लेकर आ रहा हूँ। सन 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी महात्मा गांधी ने। किसने की, महात्मा गांधी ने। 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना, मोस्ट से भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने की कब की, याद रखना है। ठीक है, महमूद गजनबी के आक्रमण के समय हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो वो थी उदमांडपुर या फिर ओहिंद। क्या कहा जाता है उसको, उदमांडपुर या फिर ओहिंद। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी कहां थी, उदमांडपुर या फिर ओहिंद। नेक्स्ट है कि मराठों ने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का कुशल प्रशिक्षण संभवतः किससे प्राप्त किया था, वो प्राप्त किया था अहमदनगर के अबीसी न्यायी मंत्री मलिक अंबर से। अहमदनगर के थे मंत्री मलिक अंबर से, मराठों ने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का कुशल प्रशिक्षण इन्हीं से ही प्राप्त किया था। भारतीय इतिहास में अमरम, अमरम का अर्थ क्या हुआ करता था, तो वो था जागीर। अमरम का क्या अर्थ क्या हुआ करता था, जागीर। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था, तो कलिंग पर आक्रमण किया था 260 ईसा पूर्व। ईस्वी की बात नहीं की जा रही यहां पर, ईसा पूर्व।
ठीक है, बिफोर क्राइस्ट बीसी, 260 बीसी में, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 31 नंबर पर, किस भारतीय ने सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने के लिए, प्राथमिक शिक्षा लागू करने के लिए सदन में विधेयक प्रस्तुत किया था? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने के लिए एक विधेयक पारित प्रस्तुत किया था, गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ पर हमारे 31 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा संख्या में। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो वो है उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? उत्तर वैदिक काल में। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया था क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। मलिक काफूर को 1000 दिनारी क्यों कहा गया था? क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। हड़प्पा वासियों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था? किस चीज़ का ज्ञान नहीं था? मेहराबों का निर्माण का ज्ञान नहीं था। ठीक है, ये भी ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है, चार ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना होता है। तो मेहराबों के निर्माण का ज्ञान नहीं था। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 36 है, हड़प्पा काल में तांबों की रथ की खोज हुई थी, वो कहाँ पर हुई थी? दैमाबाद में। कहाँ पर हुई? दैमाबाद में। हड़प्पा काल में तांबों के रथ की खोज हुई थी दैमाबाद में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजगृह में महावीर स्वामी ने सर्वाधिक निवास किस ऋतु में किया है? तो वर्षा ऋतु में किया था महावीर स्वामी ने राजगृह में। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, नहीं पता है तो नोट करके रख ले। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर के रूप में किसे जाना जाता है? ऋषभ देव है प्रथम तीर्थकर, और अंतिम तीर्थकर कौन है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी यति कब कहलाए? यति कब कहलाए? जब घर त्यागा। ठीक है, महावीर स्वामी घर त्यागने के बाद यति कहलाए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं पता होगा आपको, उसको नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, अपने मोबाइल में सेव करके रखें। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं लेकिन नोट करके जरूर रखें। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अली गुरा शास्प। आपको नहीं पता होगा अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अली गुर शास्प। ठीक है, अली गुर शास्प। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। महावीर के निर्माण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो वो थे सुधर्मन। क्या नाम है उनका? सुधर्मन। महावीर के निर्माण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन था? सुधर्मन। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है कि किस शासक के काल में चतुर्थ बोध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो वो थे कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, कनिष्क कश्मीर के कुंडलवन में। ठीक है, चतुर्थ बोध संगीति का आयोजन। आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? आदि जैन ग्रंथों की भाषा थी प्राकृत। प्राकृत भाषा में लिखे गए आदि जैन ग्रंथ। जैन धर्म के 5 व्रतों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत कौन सा है? तो वो है अहिंसा। अहिंसा, ठीक है। सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो वो मिलती है जाबालो उपनिषद से। जाबालो उपनिषद से, ठीक है। सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? जाबालो उपनिषद से। यहाँ हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, वन लाइनर क्वेश्चन ही कवर करके चल रहे हैं। ठीक है, मुस्लिम कानून के 4 स्रोतों में से 3 कुरान, हदीस और इज्मा हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चौथा स्रोत है? तो वो है कयास। क्या है वो? कयास। मुस्लिम कानून में 4 स्रोतों में से 3 है, कुरान, हदीस और इज्मा है, इनमें से चौथा कौन है? वो है कयास। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? तो वो किया गया था कुषाण काल में। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया है? तो वो किया गया कुषाण काल में। भारत में धन का निष्कासन का तात्पर्य क्या है? तो वो है जो धन भारत से बाहर जाता है उसके बदले में कुछ भी प्राप्त ना होना। धन के निष्कासन का क्या तात्पर्य है? जो धन भारत से बाहर जाता है उसके बदले में कुछ भी प्राप्त ना होना धन का निष्कासन कहलाता है। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? पंडित मोतीलाल नेहरू ने। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी पंडित मोतीलाल नेहरू। गाइज यहाँ पर 49 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर जरूर करें व्हाट्सअप फेसबुक पर, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर। सिंध का बाघ या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो वो है मोहन जोदड़ो। ठीक है, सिंध का बाघ या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? मोहन जोदड़ो को कहा गया है।
ठीक है, क्लियर है। आगे है कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई, यह किस पुस्तक में लिखा गया है? तो ऐसा लिखा गया है इंडिया टुडे में। किस में लिखा गया है? इंडिया टुडे में। ऐसा कौन सा प्रथम सूफी साधक था जिसने अपने आप को अनलहक घोषित किया था? तो वो थे मंसूर हल्लाज। क्या नाम है उनका? मंसूर हल्लाज, जिन्होंने अपने आप को अनलहक घोषित किया था। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने किस अंग्रेज अधिकारी को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था? तो वो थे जनरल डायर। क्या नाम है उनका? जनरल डायर। ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा है। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो रास बिहारी बोस के द्वारा की गई है। रास बिहारी बोस इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक। किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी? तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना की थी नेपोलियन की पेरिस यात्रा से। हरिविलास शारदा द्वारा प्रस्तावित अधिनियम जिसे सामान्यतः शारदा अधिनियम कहा जाता है, क्या था? वो था बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929। शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है? तो वो थे ए ओ ह्यूम, जिन्होंने कांग्रेस को स्थापना की थी, कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में मुंबई में, ठीक है। तो शिमला का सन्यासी के नाम से विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं किससे निर्मित की जाती हैं? तो वो की जाती थी मिट्टी से निर्मित थी। 59 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने समाप्त किया था? वो थे लॉर्ड रिपन। क्या नाम है उनका? लॉर्ड रिपन, जिन्होंने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो वह नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती थी, ये बात बिल्कुल गलत है। ऑप्शन भी इसके क्वेश्चन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर यहाँ पर देना था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में क्या असत्य है? तो वह है स्तूप। क्या बात है? स्तूप, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। श्रीमद् भागवत की रचना किसने की है? तो महर्षि वेदव्यास ने की है। श्रीमद् भागवत गीता की वेदव्यास ने ही महाभारत की रचना भी की है। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? तो वो है लॉर्ड एल्गिन का। लॉर्ड एल्गिन ने कहा था कि हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत निम्न में से किस पुराण में है? तो वो है मत्स्य पुराण। किस में है? मत्स्य पुराण। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण में। किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा? हेराक्लीज कहा था मेगस्थनीज ने। किसने कहा था? मेगस्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीज। किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है? तो वो है कठोपनिषद। कठोपनिषद को बुद्ध भी एक उपनिषद है, लेकिन बुद्ध से प्राचीन जो उपनिषद है वो है कठोपनिषद। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? तो वो थे 8। 8 स्तूपों का निर्माण किया गया है महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं पता है नोट करके चलें। मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ, जो क्वेश्चन आपको नया लगता है, नहीं पता है, नोट करके चलें या फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगरा तथा फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है? वो है रॉल्फ फ्रिंच ने ऐसा कहा था कि आगरा तथा फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं। बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठयोग एवं तांत्रिक आचारों की प्रधानता दी गई है? तो वो है व्रजयान। बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठयोग एवं तांत्रिक आचारों की प्रधानता दी गई है? तो वह है व्रजयान। बुद्ध के वर्षाकालीन निवास के लिए बैलुवन एवं जैतवन का निर्माण क्रम से किन लोगों ने करवाया था? तो वो करवाया था बिंबिसार एवं जैत कुमार ने। किसने करवाया था? बिंबिसार एवं जैत कुमार ने। बुद्ध के वर्षाकालीन निवास के लिए बैलुवन एवं जैतवन का निर्माण। नेक्स्ट आता है कि सौपदम किस उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगिरा के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है? तो वह है छांदोग्य उपनिषद। देवकी पुत्र एवं अंगिरा के शिष्य के रूप में किस में उल्लेख मिलता है कृष्ण के बारे में? तो वह छांदोग्य उपनिषद, याद रखेंगे।
चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो शकों का उन्मूलन करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि से धारण किए गए, ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने धारण की थी। 73 नंबर, बुद्ध के प्रारंभिक अनुयायियों में सर्वाधिक संख्या किसकी है? सर्वाधिक संख्या किसकी है? तो वो है ब्राह्मणों की। किसकी संख्या है? ब्राह्मणों की। गाइस किसी प्रकार के कोई प्रॉब्लम हो कमेंट में आप बताते चलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें व्हाट्सअप फेसबुक पर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो कोर्स है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। यहाँ पर मैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सभी कराऊंगा, ठीक है। 189 हिस्ट्री के क्वेश्चन है, उसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस सभी करा दूंगा। SSC GD का एग्ज़ाम है, ठीक है, RPF चल ही रहा है, यूपी पुलिस आ रहा है, बिल्कुल अभी नज़दीक में ही है, बिल्कुल यूपी पुलिस, तो ध्यान रखेंगे। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली महिला कौन थी? तो वो थी गौतमी, जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के बारे में प्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? तो वो मिलती है छांदोग्य उपनिषद, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग की प्रथम जानकारी मिलती है छांदोग्य उपनिषद से। प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है? तो वो है हम्पी में। कहाँ पर अवस्थित है? हम्पी में। 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर कहाँ जो निकलते हैं वो कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। मौर्य काल में भूमिकर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो सीताध्यक्ष के द्वारा एकत्रित किया जाता था, सीताध्यक्ष के द्वारा एकत्रित किया जाता था। 78 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल राष्ट्र किस व्यवसाय से संबंधित थे? तो वो थे वस्त्र उत्पादन से संबंधित। गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल सभी में व्यवसाय था वस्त्र उत्पादन। पुस्तक किताबुल हिंद के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या है? अलबरूनी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित की थी? 1883 में, ठीक है। अकाल को रोकना और अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने एक अकाल संहिता जारी की, और वो की थी 1883 में। अष्ट दिग्गज किस राजा की से संबंधित है? अष्ट दिग्गज 8 दिग्गज थे, वो थे कृष्णदेव राय के दरबार में, जो कि 8 विद्वान थे, ठीक है। जैन साहित्य को निम्नलिखित में से इस नाम से भी जाना जाता है? तो वो है आगम। किस नाम से जाना जाता है? आगम। जैन साहित्य को निम्नलिखित में से इस नाम से भी जाना जाता है? तो वो है आगम। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो वो थे बहराम जी एम मलबारी। क्या नाम था उनका? बहराम जी एम मलबारी, जो कि 19वीं सदी के प्रथम पारसी समाज सुधारक। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1857 ईस्वी में हुई है। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1857 में, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 ईस्वी के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था बेलगांव में। कहाँ पर हुआ? बेलगांव में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 ईस्वी में के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे बनाया गया था? तो वो थे सुधर्मण। क्या नाम था उसका? सुधर्मण, जो कि महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ के मुखिया बनाए गए। अगला क्वेश्चन है कि राजगृह का राजकीय चिकित्सक जीवक, जिसे गणिका के पुत्र के रूप में माना जाता है, उस गणिका का नाम क्या था? तो होता सलावती। क्या नाम है उसका? सलावती, ठीक है। राजगृह का राजकीय चिकित्सक जीवक, जिसे गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता है, उस गणिका का नाम था सलावती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेंगे, ठीक है, नोट करके चलेंगे। अगला है, दीवान ए मुस्त खराज किसने स्थापित किया था? तो वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान ए मुस्त खराज किसने स्थापित किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है कि जहांगीर के कहने पर अबुल फजल का कत्ल किसने किया था? तो वो थे वीर सिंह देव बुंदेला, जिन्होंने अबुल फजल का कत्ल किया था जहांगीर के कहने पर। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है।
चलते हैं 91 नंबर पर। वह प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की। गीत गोविंद ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो जयदेव हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार देखने को मिल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो पृथ्वीराज तृतीय जो थे वही पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिनके और मोहम्मद गौरी के बीच दो बार तराइन का प्रथम 1191, तराइन का द्वितीय 1192 में युद्ध हुआ था। चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो राणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आगे आ जाते हैं 95 नंबर क्वेश्चन पर। 95 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जहांगीर बलक का युद्ध, जहांगीर का संबंध बलक के युद्ध से नहीं है। तो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी ऑप्शन से लिया गया है क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया है? तो वो है आर्य समाज, आर्य समाज। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया है? तो वो है आर्य समाज। नेक्स्ट है कि मंगल पांडे कहाँ के विद्रोह से जुड़े हुए थे? तो वो थे बैरकपुर से। किससे जुड़े हुए थे? बैरकपुर से। मंगल पांडे कहाँ के विद्रोह से जुड़े हुए हैं? बैरकपुर। निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था? तो वो थे जहाज महल। क्या नाम है उनका? जहाज महल। निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था? तो जहाज महल, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है इंडियन डिवाइडेड। एक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की बुक, और यहाँ पर बात की जा रही है इंडिया डिवाइडेड, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक, ठीक है। आगे है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो सरकारी इतिहासकार की बात की जा रही है, तो वो हो जाते हैं एस एन सेन। क्या नाम है इनका? एस एन सेन, जो कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे, एस एन सेन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आज हमने डिस्कस किए 100 आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप कल की वीडियो में बाकी के 89 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, क्योंकि वरना टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा एक ही वीडियो में, आप पूरी वीडियो देखते भी नहीं हैं, और जिन्होंने पूरी वीडियो देखी है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी क्वेश्चन हम कल के लिए छोड़ते हैं, 89 क्वेश्चन कल कवर करूँगा। तो 189 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल क्वेश्चंस हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो नए क्वेश्चन हैं एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, वो क्वेश्चन यहाँ पर मैंने इंक्लूड किए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर किए हैं व्हाट्सअप फेसबुक पर, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको समय से मिल पाए। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।